नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वन्य लाइफस्टाइल टिप्स चैनल पर। खट्टे मीठे नींबू का अचार विद पंजाबी स्टाइल में बनाने की विधि लेके आई हूँ। इंडिया में अचार के बिना हम सब खाना खाने को सोच भी नहीं सकते, तभी तो अचार को बहुत बनाया जाता है, वो भी अपने अपने तरीके से। लेकिन सब अचार की अपनी अपनी टेस्ट होता है और सभी अचार अच्छे होते हैं और खाने में भी स्वाद होता है। अचार के कारण ही हम खाना खा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं, आइए सीखते हैं। इस अचार को बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो नींबू। नींबू पतले छिलके वाला होना चाहिए और नींबू को धोकर थोड़ी देर धूप में सुखा दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर सूख जाए। इसे बनाने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि इसमें डलने वाला सामग्री क्या क्या है। इसमें हमने सबसे पहले लिया है नमक, 100 ग्राम नमक, और हमें चाहिए 20 ग्राम अजवाइन, और हमने लिया है काली मिर्च 20 ग्राम, वो भी दरर फरर किया हुआ। फिर उसके बाद हमने लिया है काला नमक 50 ग्राम। फिर उसके बाद हमने लिया है चीनी 300 ग्राम, गरम मसाला 30 ग्राम। नींबू सूख जाने के बाद उसको हम इस प्रकार काटेंगे। देखिए, जैसे हमने काटा है उसी हिसाब से आपको भी काटना है। और इसको काटने के बाद आप इसका बीज निकाल दीजिए। देखिए, इस तरह से काटना है 4 हिस्सों में। काटने के बाद अब हमने इसमें डाला है नमक, उसके बाद हमने नींबू के ऊपर डाला है काला नमक, फिर उसके बाद हमने डाला है अजवाइन। ये सारी 3 चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमने डाला है काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स हो जाने के बाद अब हमने लिया है प्लास्टिक बोतल और बोतल में इसको डाल दीजिए। देखिए, इस तरह से बोतल में डाल दीजिए। बोतल में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका ढक्कन बंद करके रख दीजिए। टाइट ढक्कन बंद करके इसको 1 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। दूसरे दिन इस नींबू के अचार में हमने डाला है गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। गरम मसाला मिक्स हो जाने के बाद उसमें अब चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर चीनी डालने के बाद मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसको धूप में रख दीजिए। रोज आप इसको 7 दिन तक इसको अच्छी तरह से मिक्स कर कीजिए और धूप में रख दीजिए। फिर 7 दिन के बाद आप इसको खा सकते हैं। और इस अचार को सारे पसंद करते हैं, चाहे छोटे हो या बड़े, सभी पसंद करते हैं। और ये अचार सालों साल टिका रहता है। आप चाहे तो इसको बोतल, कांच के बोतल में भी रख सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको किसी करछी या किसी चम्मच से हिलाएंगे तो वो चम्मच बिल्कुल साफ और सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीला या कुछ मॉइस्चर अचार के अंदर घुस जाए तो अचार ख़राब भी हो सकता है। और आपको इसे साफ़ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको ये हमारा पंजाबी स्टाइल खट्टा मीठा नींबू का अचार पसंद आया होगा। आप भी बनाइए और औरों को भी खिलाइए। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य ही बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।